साइंस वाली विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी ज्ञान स्थली पीलीभीत जिले का सबसे पुराना विद्यालय है। ये एक तरह से चैरिटेबल विद्यालय है जो कि छात्र छात्राओं से केवल उतना ही शुल्क लेता है जिससे स्कूल के खर्चे पूरे हो जाएं। अपने लंबे समय की सेवाओं के बावजूद आज स्कूल के कुछ बच्चों ने फर्जी आईडी बनाकर, अभी ये कहना भी गलत होगा कि ये कार्य स्कूल के बच्चों ने किया है, क्योंकि किसी ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ गलत बातें लिखी हैं, उन पर ट्यूशनबाजी का आरोप लगाया है और ये आरोप भी लगाया है कि कुछ शिक्षकों ने बच्चों से पैसे लेकर उनको पास किया और जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं पढ़ी या पैसे नहीं दिए उनको फेल कर दिया। हमने इस मामले की पूरी पड़ताल की, साइबर सेल से भी संपर्क किया और सबसे पहले ये पता चला कि ये आईडी फर्जी है, यानी कि इसमें नाम, पता, फोन नंबर सब कुछ फर्जी लिखा हुआ है, जिसके चलते इसको ट्रेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद हम प्रधानाचार्य श्री आर सी सेमवाल जी के पास गए और आर सी सेमवाल जी से इस बाबत जानकारी चाहिए, तो उन्होंने स्वयं ही बड़ी बेबाकी से बताया कि ये सारा का सारा मामला गलत है, केवल विद्यालय को बदनाम करने की साजिश है। आइए आर सी सेमवाल जी से हम जानते हैं। सिम्बाल जी, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है लैंसवाल विद्या मंदिर के लिए काफ़ी टीपा टिप्पणी हो रही है, कुछ एक फेक आईडी बना के भी जो है फेसबुक पे टिप्पणी करेगी, तो इस मामले में आप क्या कहोगे? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स जो एनुअल एग्जामिनेशन में फेल हुए उनके पेरेंट्स ने स्कूल में आके पहली कॉपी चेक करवाने की कोशिश की। हमने उन्हें पूरा मौका दिया, क्योंकि हमारी एक बहुत स्पष्ट पॉलिसी है कि पेरेंट्स आएँ, अपने बच्चे की कॉपी चेक कर सकते हैं, वो चाहे किसी टीचर को हमारे स्कूल से लें, जो टीचर उन्हें नहीं पढ़ाता उसको लें, या और उसके बाद पूरी कॉपी चेक करें। जहाँ पर भी अगर कुछ गलती मिलती है तो हम उसके लिए जो है पूर्ण उसका उत्तरदायित्व हम लेंगे, लेकिन ब्लैंक आंसर शीट और गलत क्वेश्चन पर मार्किंग नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति चेकिंग के बाद भी जब बच्चा पास नहीं होता है, पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं और हम उसे डिनाई करते हैं, तो एक बहुत एक दिस इज़ द वेरी कॉमन थिंग विच इज कमिंग अक्रॉस इन द सोसाइटी कि दैट टू डिफेंड द स्कूल ऑन द सोशल मीडिया, ऑन द व्हाट्सएप एंड सम ऑफ द सो कॉल्ड न्यूज पर्सनैलिटीज, दे आर ऑल्सो पब्लिशिंग द थिंग विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑन देयर वेब पोर्टल। तो दिस इज रियली रिडिकुलस कि कैसे आप इतनी सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी संस्थान के नाम को बदनाम कर सकते हैं। इसके प्रति हम बुद्धिजीवियों को और सभी लोग जो लर्निंग क्लास ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हमें कुछ सोचना चाहिए कि एक हमारे पास बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, आप CBSE में शिकायत कीजिए, आप स्कूल में आइए, उस बच्चे की कॉपी देखिए, उसका परफॉर्मेंस देखिए, अगर स्कूल कहीं गिल्टी है तो वी आर रेडी टू सरेंडर, बट जहाँ पर अगर स्कूल की गलती नहीं, स्कूल सच के साथ है। और इस ऐसी स्थिति में जो है प्रशासन को भी इस मामले में सख्ती से निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, अभी अभी हमने जो है इसी उसी प्रकरण की जो फेसबुक पर जो प्रकरण हुआ जिसमें स्कूल की बदनामी की गई, हमने SP साहब से हम मिले, हम COCT से मिले और हमने अपनी कंप्लेंट वहाँ लॉन्च कराई है और साइबर सेल में भी हमने इसकी कंप्लेंट दी है, जिससे कि ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरीके की कार्यवाही करते हैं उन पर लगाम कसी जा सके। आपको पता है लायंसवाल विद्या मंदिर शहर का एक प्रतिष्ठित स्कूल है जो 1956 में एस्टेब्लिश्ड है, हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, स्कूल कोई बेनिफिट सरप्लस सर्विस करता है और हमारे यहाँ जो है बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो लोएस्ट फीस पे एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन सेम्बाल जी, अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं अगर सूत्रों का भी कहना है कि बच्चों पर प्रेशराइज करा जाता है कोचिंग के लिए और सोशल मीडिया में भी ये बात हुई है, तो क्या आगे कोई अधिकांश ऐसी बातें जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं वो उन पेरेंट्स के द्वारा उड़ाई जाती है जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं और किसी भी तरीके से स्कूल पर प्रेशर बनाते हैं, जब वो सफल नहीं होते तो उस स्थिति में वो इस तरीके की हरकत करते हैं। और ऐसी हमारे यहाँ एक बहुत स्पष्ट पॉलिसी है, हमारे पास पेरेंट्स आता है, पेरेंट्स कितना टाइम हमें इंसिस्ट करता है, सर मेरे बच्चों को ट्यूशन की जरूरत है, आप प्लीज़ कोई टीचर उपलब्ध कराएं। हम कहते हैं ट्यूशन की क्या जरूरत है आपको, आप मुझे बताएं, मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, टीचर से एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगा, स्कूल के बाद हम एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं। कितना टाइम बच्चे जब उसमें नहीं आते तो हमें वो विड्रॉ करनी पड़ती है एक्स्ट्रा क्लासेस, हम टीचर को कन्विंस करते हैं इस चीज़ के लिए। तो हम तो ट्यूशन के वैसे ही बहुत अगेंस्ट हैं, जैसे पब्लिक स्कूल में पढ़ता है इस चीज़ के लिए कि जो है वो एक अच्छा एकेडमी के लिए एक अच्छा वो कार्य कर सके और अच्छे सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कर सके,
लेकिन जब बच्चा परफॉर्मेंस नहीं करता है उस स्थिति में भी हम अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को एक स्वतंत्र एक वातावरण देते हैं. वी आर गिविंग दम ए वेरी ओपन एनवायरनमेंट टू कम टू द डाइस टू टॉक टू मी टू टेल देयर प्रॉब्लम सो दैट आई कुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम इमीडिएटली विदाउट एनी प्रॉब्लम. अच्छा, जैसे कि हम आपको आदेश जारी करेंगे कि अगर कोई भी टीचर प्रेशराइज करता है कोचिंग के सर लिए? हमारे यहाँ प्रेशराइजेशन का कोई कॉलम नहीं. अगर एक बच्चा भी ये कंप्लेन करता है कि हमें प्रेशराइज किया गया, हम इमीडिएटली उस टीचर के अगेंस्ट मेमो निकालते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, इवन उसका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, इवन उसको डिसमिस किया जा सकता है उसकी सर्विसेज से. अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से अभिभावकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया इस तरीके की अफवाहों में ना आए. और आपके शहर का एक प्रतिष्ठित स्कूल जो कि वास्तव में समाज के लिए काम कर रहा है, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए हैं, एक ऐसे विद्यालय एक एसेट, किसी भी शहर के लिए एसेट होते हैं. और ऐसे विद्यालय में आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप उन्हें भेजते हैं. लेकिन कहीं अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो आप विद्यालय प्रशासन से आके मिलें और निश्चित रूप से आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा.